भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में लगातार नए प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, जिससे ये सेगमेंट और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ दिग्गज दोपहिया कंपनियां लगातार नए मॉडलों को लॉन्च करने में लगे हैं, वहीं स्टार्टअप्स ने इस सेगमेंट को अलग ही रफ्तार दे रखा है। अब बेंगलुरु बेस्ड ओरिक्सा एनर्जीज ने अपना पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ओरिक्सा मेंटिस ऑक्सा मेंटिस लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 3.60 लाख रुपए तय की गई है। अपने प्राइस सेगमेंट में ये बाइक मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट F77 के बेस वेरिएंट को टक्कर देती है। कंपनी का कहना है कि ये एक परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसे खास तौर पर रेसिंग एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस मोटरसाइकिल का लुक और डिजाइन बेहद ही शानदार है, खास तौर पर बाइक की हेडलाइट हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन एक खास प्रकार के कीड़े मैंटिस से प्रेरित है, जो कि बेहद ही फुर्तीला और तेज होता है। इसके फेस यानी कि हेडलाइट की डिजाइन में आपको इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। कंपनी ने इस बाइक को बेहद ही शॉर्प डिजाइन दिया है, जो कि बाइक को तेज रफ्तार में दौड़ने में मदद करता है। ये वर्तमान में देश की सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में से एक है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बाइक की एक्सेलरेशन और स्पीड इस प्रकार है। स्पीड टाइम 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा 8.9 सेकंड, 0-20 किलोमीटर प्रति घंटा 2.7 सेकंड, 20-100 किलोमीटर प्रति घंटा 6.2 सेकंड। इसमें एग्रेसिव फ्रंट फेस, शार्प फेयरिंग, स्कल्पटेड फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट दिया गया है। इसके अलावा डुअल टोन में सजी इस बाइक को दो रंगों में पेश किया गया है, जिसमें अबन ब्लैक और जंगल ग्रे कलर शामिल है। किनारों पर बड़े बैटरी पैक को आसानी से देखा जा सकता है। कंपनी ने बैटरी को एक हाइब्रिड एल्यूमिनियम केस के भीतर लगाया है, जिसमें IP67 रेटेड सेफ्टी दी जा रही है, यानी कि ये धूल धूप या पानी से सुरक्षित है। साइज की बात करें तो ऑक्सा मेंटिस को कंपनी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस बाइक का रूप दिया है। इसका कटिंग एज डिजाइन इस बाकियों से अलग बनाता है। देखने में ये बाइक आपको कुछ हद तक KTM ड्यूक की याद दिला सकती है। इसके डायमेंशन इस प्रकार है, व्हीलबेस 1450 मिलीमीटर, सीट हाइट 815 मिमी, कर्ब वेट 182 किग्रा, ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर। मेंटिस में 5 इंच का फुल डिजिटल TFT डैशबोर्ड दिया गया है, जो कि कंपनी के लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। आप अपने स्मार्टफोन को भी इस बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर को बाइक चलाते समय फोन नोटिफिकेशन, राइड एनालिटिक्स और नेविगेशन तक पहुंचने के लिए मेंटिस ऐप का उपयोग करना होगा। इस इलेक्ट्रिक बाइक में ऑल LED सेटअप दिया गया है, जिसमें मेंटिस इंस्पायर ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प भी शामिल है। बता दें कि इसका डिजाइन मेंटिस एक कीड़ा से प्रेरित है और इसका नाम भी उसी से लिया गया है। बैटरी की बात करें तो कंपनी ने ओरिक्सा मेंटिस में की क्षमता का बैटरी पैक दिया है, जो लिक्विड कूल BLDC मोटर को पावर देता है। ये देश का पहला लिक्विड कूल सेटअप वाला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन है। ये इलेक्ट्रिक मोटर 20.5 किलोवाट 27.5 HP अधिकतम पावर और 93 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर घंटा है, जबकि 0-100 किलोमीटर घंटा की स्पीड पकड़ने में इसे 8.9 सेकंड का समय लगता है। इस इलेक्ट्रिक बाइक में बैक ड्राइव सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें रिजेनरेटिंग ब्रेकिंग और साइड स्टैंड सेंसर भी शामिल हैं। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है और वजन 182 किलोग्राम है। ये देखने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन फिर भी यह 197 किलोग्राम वजन वाले अल्ट्रावायलेट F77 से हल्का है। कंपनी का दावा है कि मेंटिस सिंगल चार्ज में 221 किलोमीटर की रेंज देती है। ऑक्सा मेंटिस की कीमत में 1.3 किलोवाट का स्टैंडर्ड चार्जर शामिल है। यूजर्स के पास 3.3 किलोवाट ब्लिट्स चार्जर खरीदने का विकल्प मिलता है। फास्ट चार्जर की कीमत अभी सामने नहीं आई है। दोनों चार्जर को पोर्टेबल यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या दीवार पर लगाया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि 1.3 किलोवाट वाले चार्जर से इस बाइक की बैटरी को 0-80% तक चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगता है, जबकि 3.3 किलोवाट के ब्लिट्स चार्जर से इसकी बैटरी महज 2.5 घंटे में 0-80% तक चार्ज हो जाती है। सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS से लैस इस बाइक में 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।